अब मुंबई में जो कुकरवा में गला दिया था उसका कहानी उठा तुम तो वहाँ कुकरवा में गला दिया तो उसका छोड़िए ना, छोड़ दीजिए। अभी तो जो है सब पूरे हिंदुस्तान में सर पूरा हिंदू लड़की का और लड़का का जो है मॉडल हो रहा है। कौन कर रहा है? 20 करोड़ कर रहा है। 20 करोड़ वाला आदमी इनके बहन बेटी का बलात्कार जो बोल रहा है कि अभी हिंदू असुरक्षित है, क्या 2014 के बाद असुरक्षित हुआ है हिंदू? आपको तो शर्म आना चाहिए कि आप 120 करोड़ होने के बाद भी आपका इज्जत सही पहचान है पहुंचाए हैं। कौन पहुंचाया? आपका बाप पहुंचाया? देखिए सुनिए नहीं, मोदी जी का समय गलत बोल रहे हैं। महात्मा गांधी थे, उनका उनको आप गलत बोल रहे, आप शब्द प्रयोग कर रहे हैं। आपका उम्र है, लिहाज कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। देखिए भैया, नरेंद्र मोदी सबसे खत्म काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को और काम करने को सीख लेना है तो बिहार मॉडल अपना है। बिहार सरकार में बिहार मॉडल अपना है, रोजगार देना, रोजगार देना। करोड़ हिंदू जो है सो मतलब समझे कि अल्पसंख्यक है, वही अल्पसंख्यक है, वो जो है सो सुरक्षित नहीं है। या एनडीए जिस तरीके से लगातार जो इंडिया गठबंधन है वो नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए लगातार बैठक कर रही है, और लोगों से हम जानने आए कि क्या एनडीए को इंडिया घेर पाएगी या आने वाले 2024 में नरेंद्र मोदी को हरा पाएगी इंडिया या नहीं। इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से। क्या कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ेगा या इंडिया का बैठक? देखिए, इंडिया का बैठक भारी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें देखिए 15 प्रधानमंत्री है और देश को सिर्फ एक प्रधानमंत्री चाहिए। हाँ। और वो लोकप्रिय नेता है मोदी जी। चूँकि 15 पार्टी सब सोचेगा हमारा बने, और बीजेपी का देखिए लोग क्या बोलता है, यार हम एक साधारण कार्यकर्ता हैं। लेकिन अभी आप एनडीए में इंडिया में जाके किसी से पूछिए, बोलेगा देखिए मैं तो भाई जानती हूँ नीतीश कुमार ही बने। मतलब सब अपना अपना नेता को कहता है। करेक्ट, सब अपने अपने नेता। एनडीए में जो है सिर्फ और सिर्फ मोदी का नाम लेता है। एनडीए में सिर्फ नहीं, एनडीए में नाम ही लेता है। एनडीए में नाम नहीं बोलता, हम तो कार्यकर्ता है, जो भी ऊपर का होगा डिसीजन हम वो काम करेंगे। कभी नहीं बोलेगा नहीं नहीं अमित शाह गृह मंत्री बनेगा, ये वो बनेगा। लालू जी जाते कह दे नरेंद्र मोदी को नट्टी पर चढ़ जा रहे हैं। देखिए बोलने नहीं होगा जी, अभी कहाँ चढ़ रहे हैं लालू जी तो। अच्छा आप बताइए क्या कह रहे हैं, बाहर रह जाएगा लालू प्रसाद तो चढ़ जाएगा नट्टी पर? बाहर रह जाएंगे लालू जी ना, खाली जेल जाएंगे चढ़ जाएंगे। सारे पब्लिक सेक्टर को सबको बेच रहा है अडानी अंबानी के हाथों में है, और रोजगार ये सरकार बेच रही है, केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी। हाँ, लोग कह रहे हैं मोदी जी चांद पर पहुंचा दिए। अरे चांद पर क्या है, ये नेहरू जी का इसरो बनाया हुआ है, नेहरू जी का बनाया हुआ है। हाँ, जितना IIM है, IIT है, सारे एम्स है। मोदी चांद पर नहीं पहुंचा? नहीं नहीं, नेहरू जी का ही इसरो बनाया हुआ है, IIT बनाया हुआ है, एम्स बनाया हुआ है। नेहरू जी का ही चीन का ही नक्शा बनाया हुआ है। 1962 भी नेहरू जी का बनाया हुआ है। 40 साल से जो हो रहा है वो भी नेहरू जी का बनाया हुआ है। फिर बात समाप्त हो गई। देखो देखिए, एक्चुअली बात क्या है, यहाँ पर सिर्फ जाति और उसी नाम पे वोट, जाति पर खाली वोट, बिल्कुल विकास पर नहीं, कुछ नहीं। मोदी जी विकास नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना, फिर क्यों नहीं कर रहे? अभी तो जीते, तब कैसे कह रहे आप जाति पर पड़ रहे हैं? फिर आएंगे, थर्ड टाइम प्रचंड बहुमत, प्रचंड बहुमत नहीं, वो आएंगे नहीं, वो जाएंगे, समझे? जाएंगे, हाँ वो जाएंगे, वो ठीक कह रहे हैं जाएंगे, वो ठीक कह रहे हैं जाएंगे, जाएंगे फिर से प्रधानमंत्री कोठी में जाएंगे, प्रधानमंत्री के लिए ठीक तो कह रहे हैं, बुढ़िया बिस्तर समेट के जाएंगे यहाँ से विदेश। हाँ, और बेरोजगारी इतना चरम पे बढ़ गया है। हाँ। नौजवान को रोजगार 2 करोड़ की जो नौकरी वादा किए थे उन्होंने वादा नहीं पूरा किया, वादा किया पूरा कहा किए, और 15 लाख के बोले एक मीठा बेरोजगार, क्या बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है? बहुत बढ़ गया। 14 से पहले पूरा रोजगार था? 14 से पहले रोजगार था? 14 से पहले आप रोजगार थे? नहीं, हम तो 13 में अपॉइंटमेंट हुआ है मेरा, समझे? और मोदी जी कहने से ही बताइए, गैसवा का दाम 200 रुपया कम कर दीजिए तब आप लोग नहीं कुछ। बहुत महंगा, 400 रुपया में मिलता था, 1200 में 3 गुना हो गया है। घटाया, अब पेट्रोल कहाँ चला गया, 70 से 108 रुपये कितना चला गया, घटाया मानी नहीं। ये तो देखिए लोकल इश्यूज है, गैस पेट्रोल, कोरोना के टाइम में सारे दुनिया की इकोनॉमी खत्म हो गई थी, आप समझ रहे हैं, एक अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, सबका सब खत्म हो गया था। आखिर इंडिया कैसे ग्रोथ कर गया, फिर बताइए कैसे ग्रोथ किया, 5वां अर्थव्यवस्था में दुनिया में हम लोग हैं। अरे तू पहले से था, उसको पहले से था, पहले 8वां था, 5वां हो गया, ऐसे लूटपाट था। व्यवस्था हमारे मनमोहन जी का है, जो माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, जो कि वर्ल्ड में अमेरिका वगैरह जो आर्थिक मंडी, विश्व आर्थिक मंडी जो चल रहा था, वहाँ कई बैंक वहाँ डूब गया अमेरिका का, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस देश को बचाया। प्रधानमंत्री दुनिया में अगर कहा जाता था
तो उसका नाम बसता था, लेकिन अब खाली हर जगह मोदी मोदी। हाँ, तो ये तो प्रधानमंत्री अपना आदमी को लेकर के जाते हैं। मीडिया सब आगे बढ़ाता है कोई भी। हाँ, आइडिया हाँ मोदी सब करवाता है, मोदी मीडिया मीडिया करवाता है, सब बड़ा बड़ा चैनल बिका हुआ है, बिका हुआ है मीडिया मोदी मोदी करता है। ठीक कह रहे हैं, मीडिया बिका हुआ है, ईडी बिका हुआ है, सीबीआई बिकी हुई है, सारी सेंट्रल एजेंसियां बिकी हुई है, पब्लिक बिके हुए हैं, पीआर सब सब बिके हुए हैं। वोटवा कैसे मिल जा रहा है? जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बिका हुआ है ईवीएम बिका हुआ है, पंगू बना दिया है, ईवीएम बिका हुआ है, ईवीएम सब है। तो फिर किस कैसे चुनाव है फिर आप बताइए? सब है, चुनाव कैसे? अभी चंद्रयान 3 कहां कैसे चला गया यहां से रिमोट से? अब ये तो छोटा मोटा है यार ईवीएम, उसको कहीं नहीं हैक कर सकता है, बताइए। बहुत देख, ऐसा नॉलेज पटना के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। चंद्रयान 3 रिमोट से चला गया, इसलिए ईवीएम भी हैक कर सकते हैं। ये ज्ञान का भंडार यही पटना में ही मिलने वाला है, बताइए। ज्ञान का भंडार है जी, जी ज्ञान का भंडार पटना में मिलेगा है, ये पहले से ही चलते आ रहा है ज्ञान का नालंदा यूनिवर्सिटी। मोदी जी को तो शुक्रिया अदा करिएगा, चांद पर पहुंचा दिए देश को। अरे वो क्या शुक्रिया अदा करेगा, गैस का दाम 200 कम कर दिया। नहीं क्या करें, 400 रुपया था, अब इलेक्शन हुए थे दूसरा, दो मीटिंग कैसे पहुंचा दिए आप? मोदी जी कैसे बोल दे रहे हैं? सब मान लीजिए बोल दीजिए मोदी जी पहचान है, पहुँचाए हैं, कौन पहुँचा है? आपका बाप पहुँचा है? देखे सुने नहीं, मोदी जी कैसे पहुँचा? मोदी जी का समय में मोदी जी के द्वारा हुआ, मोदी जी करवाया। नहीं बात करने हैं ना, नहीं आप कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं, बात रखिए गलत तरीके से बात। पहुँचाए बताइए कौन पहुँचा? मोदी जी के उनके कर पर कर्मचारी, उनके जो अंदर में काम करते हैं उन्होंने जिसको जाना का सरकार, मोदी जी का सरकार का रीजन में पहुंचा है चांद पर, पहले नहीं पहुंचा था ऐसा, पहले नहीं पहुंचा है। देखिए सुनिए, अच्छा आपका हिम्मत था, सुनिए आपका हिम्मत था तो राम जन्मभूमि में आप मंदिर बनवा। अरे सत्ता, अरे 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 मंदिर बना के देखिए, मंदिर देखिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वार ये मंदिर में घंटा बजाइए कि रोजगार चाहिए। इधर सुनिए, रोजगार चाहिए, ये नौजवान रोजगार चाहिए भैया, मंदिर में घंटा बजाने काम नहीं चलेगा, मंदिर में चाहिए नहीं चाहिए। इधर सुनिए, ये देश धर्म निरपेक्ष, राम मंदिर चाहे नहीं करिए, चर्चा ना कीजिए, ये लोग बेईमान है, बेईमान है, मंदिर नहीं चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए, मंदिर धोखा देना चाहते हैं, धोखा देना चाहते हैं जनता को। कांग्रेस रहता तब तक देश को बेच देता है, देश को बेचा नहीं है तो किया क्या है? आप देखिए, ये देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें सब धर्म को कैसे दो धर्म के नाम पर लड़ा, बंटवारा कैसे हुआ ये बताओ, चर्च ये आस्था की बताओ, अरे बंटवारा कैसे हुआ ये बताओ, तुम पहले का है कह क्या हिंदू मुस्लिम 300 पार आएंगे मोदी जी, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे सुनिए ना, मुस्लिम नाम के नाम पर क्या सुपड़ा साफ है, गांधी के चोर थे, नेहरू चोर थे, नेहरू चोर थे, गलत जा रहे हैं, कोई चोर नहीं था। देखिए ये, अरे महात्मा को आप गलत बोल रहे हैं, महात्मा गांधी थे, उनका उनको आप गलत बोल रहे हैं, आप शब्द प्रयोग कर रहे हैं, आपका उम्र है, लिहाज कर रहे हैं, सही से बोलिए भाई साहब, कम से कम थोड़ा आराम से बोलिए। गांधी को आप कैसे चोर बोल रहे हैं? गांधी जी को नहीं, नेहरू जी को। नेहरू कैसे चोर? नेहरू जी ने धर्म के नाम पर बंटवारा किया, आप अपने प्रधानमंत्री बनने के लिए। नेहरू जी क्या बोला था कि धर्म के नाम पर अलग हो जाओ? नेहरू जी धर्म के नाम पर अलग होने के लिए नहीं कहीं, पाकिस्तान को सुनिए, कौन बांटा पाकिस्तान को? कौन बांटा पाकिस्तान को? अंग्रेज बांटा, अंग्रेज बांटा दोनों। अरे इनका ये कहना है, वो तो खैर, अरे पास्ट इज पास्ट, वो अलग बात है, हिस्ट्री हिस्ट्री अलग बात है। इनकी ये बात है ना, ये रोजगार और ये चीज, रोजगार सिर्फ डिग्री से नहीं मिलता, स्किलफुल। गांधी को पढ़िए चचा, पहले इतना उम्र होगी, अब जाने का उम्र होगी, गांधी को पढ़िए। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी मत बोलिए, गांधी के बारे में उल्टा बोलिएगा अच्छा नहीं होगा। गांधी जी के बारे में, हमारे राष्ट्रपिता है वो, हमारे फादर ऑफ नेशन है, उनको गलत नहीं कह सकते हैं, समझे? गांधी जी का नोट रहेगा अभी 500 तो सबसे पहले जाएगा, गांधी जी का फटिया नोट उठा लो। हाँ, क्या बोल रहे भैया? नौजवान से पूछिए ना, ये बताइए
नरेंद्र मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? देखिए भैया, नरेंद्र मोदी सबसे खत्म काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को काम करने को सीख लेना है तो बिहार मॉडल अपना है, बिहार सरकार में बिहार मॉडल अपना है, रोजगार देने में। जो तेजस्वी जो रोजगार के लेकर मुद्दा उठा रहा है, जो रोजगार का मॉडल बना रहा है बिहार को, अभी 1,75,000 शिक्षक को भर्ती दिया, ऐसा मतलब कोई भी मतलब स्टेट अभी नहीं कर रहा है। बिहार जो है अभी मैंने 24 में मोदी जी को इंडिया घेर रहा है, सुपड़ा साफ कर देना है, एकदम सुपड़ा साफ है, सुपड़ा साफ कर देगा। सत्ता के दलालों को चिल्लाने दीजिए इस बार, सुपड़ा मोदी मोदी पूरा कहने दीजिए, वो सत्ता के दलाल है जो बोले, सत्ता के दलाल है। हम भी कुछ कह दे, लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को नहीं लाना है, ठीक है, 104 लोग कह रहे हैं, हाँ तो कह रहे हैं, ठीक है, उनका कहना ठीक है, लेकिन 140 करोड़ के हिंदुस्तान में जो है 120 करोड़ हिंदू जो है सो मतलब समझे कि अल्पसंख्यक है, वही अल्पसंख्यक है, वो जो है सो सुरक्षित नहीं है। अच्छा, एक मिनट, 120 करोड़ होने के बावजूद अब सुरक्षित नहीं है? सुरक्षित नहीं है, क्या है, क्या है, हर हर है, हर गली में, हर मोहल्ला में जो है सो आपको सलमान खान, खुर्शीद वगैरह मिल जाएगा। मुंबई, अब मुंबई में जब अब मुंबई सुनिए ना, अब मुंबई चाचा सुनिएगा, अब मुंबई में जो कुकरवा में गला दिया था उसका कहानी उठा था, मतलब कुकरमा में गला दिया तो उसका छोड़िए ना, हाँ छोड़ दीजिए। अभी तो जो है सब पूरे हिंदुस्तान में सर पूरा हिंदू लड़की का और लड़का का जो है मॉडल हो रहा है। कौन कर रहा है, कौन कह दिया है, रोज रोज कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, 20 करोड़ कर रहा है, 20 करोड़ वाला आदमी इनके बहन बेटी का बलात्कार, जो बोल रहा है कि अब जो बोल रहा है कि अभी हिंदू असुरक्षित है, क्या 2014 के बाद असुरक्षित हुआ है हिंदू? आपको तो शर्म आना चाहिए कि आप 120 करोड़ होने के बाद भी आपका इज्जत सही नहीं है, सुरक्षित नहीं है। अभी 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 देखिए, अभी देखिए, अभी देखिए, वो जो है सभी हमको पूजा करने नहीं दिया, हमारे नहीं दिया, सरकार नहीं करने दिया। कौन सरकार, किसकी सरकार है, किसकी सरकार है जी, खट्टर कौन है, उसी का सरकार है, सब जो है उसी का सरकार है। 120 करोड़ हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू राज्यपाल, हिंदू मुख्यमंत्री, तभी सुरक्षित। जब तक के जो है सर मोदी को नहीं लाइएगा तब तक के हिंदुस्तान नहीं बचेगा। अच्छा, हाँ, एक मिनट, तो मोदी जी 10 साल से है तो सुरक्षित है ना आप? कहाँ है, सुनिए, सुरक्षित इसलिए नहीं है कि यहाँ तो जो है सब जो है सो उसी का पक्ष में है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मंदिर मस्जिद बन जाएगा, सुनो ना, मंदिर मस्जिद बन जाएगा, उसे विकास हो जाएगा देश का? विकास विकास तो कर ही रहे हैं, नहीं कर रहे हैं थोड़े, कहीं तो कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ा दी है, हाँ बेरोजगारी बढ़ा दी है लोग कह रहे हैं। देखिए, ये बात सही है कि बेरोजगारी बढ़ रहा है, हिंदुस्तान के इतिहास में अभी तक 1947 के बाद ये सबसे झूठा प्रधानमंत्री ये माननीय नरेंद्र मोदी साबित हुए हैं, सबसे झूठा, इनकी पार्टी भी है बीजेपी, बड़का झूठा पार्टी और सबसे झूठा प्रधानमंत्री, करनी कतनी में इनका अंतर।